हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये आज हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। रही किस प्रकार से हम स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, तो क्या हो जाएगा? एक चींटी की एन आंट बहती जा रही थी, यानी वो से बहा जा रहा था, तो वॉज बींग कैरेड अवे एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, तो एन आंट वॉज बींग कैरेड अवे इन द रिवर इन द रिवर करेंट। धारा फुल स्टॉप। वह किनारे पर आने की कोशिश कर रही थी। देखिए, पक्षियों और जानवरों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। इट कोशिश कर रही थी, तो इट वॉज ट्राइंग। इट वॉज ट्राइंग आने की, आना या पहुंचना, टू रीच। वह किनारे पर आने की कोशिश कर रही थी, इट वॉज ट्राइंग टू रीच द बैंक लेकिन वह आ ना सकी, बट कॉमा बट लेकिन की रियल है बट वह की इट बट इट आ ना सकी कुड कैन का पास्ट क्या हुआ कुड इट कुड नॉट रीच रीच या टच है ना। किनारे के वृक्ष पर एक बैठा एक तोता यह देख रहा था। देखिए, एक किनारे के वृक्ष पर एक बैठा तोता आ सिटिंग पैरट। देखिए, आ सिटिंग पैरट किनारे के वृक्ष पर आ सिटिंग पैरट ऑन द sitting parrot on the tree of the bank. A sitting parrot on the tree of the bank was इट यह देख रहा था। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता यह देख रहा था। अ सिटिंग पैरट ऑन द ट्री ऑफ द बैंक वॉज सींग इट। उसे चींटी पर दया आ गई, तो उसे की क्या हुई? ये भी पक्षी इट, ये किसके लिए आया? पैरट के लिए। दया आ गई, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट की फील की सेकंड फॉर्म होगी फेल्ट, FELT। इट फेल्ट पिटी ऑन द हंट। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। तोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा, तो तोड़कर कर करते हुए के लिए प्लकिंग, प्लक आएगा इसमें ING लगा देंगे। प्लकिंग अ लीफ, उसने ब्रश से एक पत्ता तोड़कर, प्लकिंग अ लीफ फ्रॉम द ट्री
प्लकिंग अ लीफ फ्रॉम द ट्री, उसने की कॉमा लगाए, इट डालना क्या होता है, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड इट ड्रॉप्ड इनटू द वॉटर, इनटू द वॉटर, पानी के अंदर डाल दिया है ना। प्लकिंग अ लीफ फ्रॉम द ट्री, इट ड्रॉप्ड इनटू द वॉटर, चींटी पत्ते पर बैठ गई, तो चींटी क्या होगी, द आंट, बैठ गई कौन सा टेंस है, पास्ट, पास्ट में बैठना की सिट की होती है, सैट, द आंट सैट ऑन द लीफ, पत्ते पर, ऑन द लीफ, ऑन द लीफ, कुछ समय बाद पत्ता किनारे लग गया, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम द लीफ रीज्ड या टच, क्या लगाएंगे, रीज्ड, रीज्ड द बैंक, हो गया आर ई ए सी एच ई डी है ना, आफ्टर सम टाइम द लीफ रीच द बैंक, इस तरह से चींटी की जान बच गई, इस तरह, इन दिस वे, इस तरह की, इन दिस वे या दस, इन दिस वे द लाइफ ऑफ, इस तरह चींटी की जान बच गई, इन दिस वे द आंट्स लाइफ वॉज सेव्ड। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आई होगी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।